इसने अपनी बीवी को मारा भी छुरियों से। जुम्मा कोर्ट के अंदर एक खातून चढ़ी हुई है, ये हाल है। उसने दो गजल किचन सर जी, उसने दो गजल किचन। मोहब्बत की शादी छुरियों के बार। तीसरी दफा मेरे हाथ में छुरी आई, मैंने वहां फेंकी। मैंने वो उस वक्त उसको देखा कि उसने उसका गला पकड़ लिया। कायमा क्यों नहीं कर सकती थी मोबाइल का इस्तेमाल, किसका था मशकूक किरदार। तुम ये हो, तुम गंदे हो, तुम्हारे तुम्हारे औरतों के साथ चक्कर है। लड़कियों का मैके से बातें छुपाना है कितना खतरनाक। ये बहुत बहुत जरूरी है कि बेटियां अपने वालदैन के साथ जुड़ी रहें, तो वो आपका घर भी ज्यादा बेहतर चला सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। और आज टीम इंकशाफ पहुंची है कराची के इलाके गुलशन इकबाल में, जुमा खान गोट में। और आज जिस मामले पर हम बात करने वाले हैं और जिस स्टोरी को कवर करने वाले हैं, वो तकरीबन हर घर की कहानी है। हर घर में शादियाँ होती हैं, सास बहुएँ मौजूद होती हैं, नंदों भावजों के झगड़े होते हैं, और ऐसे ही झगड़ों से जन्म लेती हैं कुछ कहानियाँ। लेकिन ये कहानियाँ जब ख़त्म हो एक ऐसी चीज़ पे जिसमें कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म का जुर्म सरजद हो जाए, या ये ऐसी बातें, एक छोटे छोटे झगड़े घरों में होने वाले, ये इस नहज पे पहुँच जाएँ कि कोई किसी की जान ले ले, तो फिर ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होती है। और बहुत सारे मामलों में हमें देखना पड़ा है कि जहाँ पर नंद भावज के छोटे मोटी बातें, या बहन के भाइयों के कान भरना, सास के बेटे कान भरना बहू के ख़िलाफ़, जब ये बात थोड़ी आगे तक जाती है तो फिर क्या कुछ हो जाता है। और आज की जो कहानी है, इसमें एक हम बताएंगे आपको कि एक शादी हुई वटे सटे की, लेकिन उसका मामला इतना ख़तरनाक निकला, या ये जो सारी सिचुएशन थी इतनी इस ख़तरनाक लेवल पे पहुंच गई कि इस वक्त एक लड़की जिसका नाम सायमा है, वो जिन्ना अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला ये है बदनसीब सायमा, और ये है सायमा का शौहर इजाज़, जिसने इस पर किए हैं छुरियों के वार। जुम्मा गोट के रिहायशी ये दर्दनाक मंजर बरसों नहीं भुला पाएंगे। छुरियों के वार से जख्मी सायमा दर्द से कराह रही है, खून ज्यादा बह जाने की वजह से उस पर बेहोशी की कैफियत तारी है, लेकिन वो मौत से लड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। इर्द गिर्द मौजूद मर्द और ख्वातीन उसकी इस हालत पर परेशान हैं, लेकिन लोगों की इसी भीड़ में खड़े सायमा के शौहर के चेहरे पर जरा भी नदामत नहीं। इस भेड़िए ने जिस बेरहमी से बीवी पर हमला किया है, उसकी गवाही उसके अपने कपड़े भी दे रहे हैं। जहाँ उसके अपने कपड़े खून से भरे हुए हैं, वहीं जरा सोचिए के बेचारी सायमा की क्या हालत होगी। इसने अपनी बीवी को मारा भी छुरियों से, जुम्मा कोर्ट के अंदर एक खातून चढ़ी हुई है, ये हाल। सवाल यह है कि सायमा से हुई ऐसी कौन सी खता के शौहर जुल्म की सारी हदें उबूर कर गया। पसंद की शादी करने वाला 3 बच्चों के बाद कैसे बदल गया। इजाज़ क्यों करता था बीवी पर शक। सायमा क्यों नहीं कर सकती थी मोबाइल का इस्तेमाल। बीवी को उसके मैके ना भेजकर शौहर छुपाता रहा कौन सा राज। क्या सायमा की नंद उसके शौहर को भड़काती रही उसके खिलाफ। क्या नंद ने मरती हुई भाभी को बचाने की बजाय किया एक शर्मनाक काम। ऊपर आइए, ऊपर से क्या उठाया हम, वो ये मुझे नहीं पता। बट्टा सट्टा की शादी औरत को मजबूत करती है या फिर उसकी जिंदगी करती है बर्बाद। शौहर शक्की मिजाज हो तो बीवी उसे कैसे समझाए, कैसे उसका एतमाद हासिल करे। कोई बीवी के खिलाफ शौहर के कान भरे तो ऐसे में शौहर को करना चाहिए किस रद्दे अमल का मुजाहरा। क्या लड़की के लिए जरूरी है कि वो मैके वालों के साथ राब्ता बरकरार रखे। शौहर बीवी को उसके वालिदैन और बहन भाइयों के साथ मिलने से रोके तो बीवी क्या करे। अपनी बहनों और बेटियों के घर आबाद होने की दुआ, लेकिन दूसरों की बहनों और बेटियों के लिए अलग मयार। क्यों इस कदर खुद गर्ज है इस माशरे के अफराद। हमारे माशरे में क्यों तलाक देना मुश्किल, लेकिन बीवी को जान से मारना है आसान। कैसे टूटते रिश्तों को बचाया जाए, कैसे बहनों बेटियों और बहुओं की जिंदगियों का तहफ्फुज़ किया जाए, क्या कहते हैं माहिरीन। आज का प्रोग्राम हर मियां बीवी, हर सास बहू, नंद भावज, बहन भाई और बेटियों के वालिदैन के लिए देखना बहुत जरूरी है। मेरे साथ सायमा की फैमिली मौजूद है। सायमा इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में जिना हॉस्पिटल कराची में मौजूद हैं, और टीम इंकशाफ इस वक्त आई है गुलशन इकबाल में, जुम्मा खां गोट में, जहां पर सायमा इसी घर में अपने शौहर के साथ मुकीम थी। इस वक्त सायमा के वालिद हैं, उनकी बहनें हैं, उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अलायार साहब, आपका ताल्लुक किस इलाके से है? मेरा इलाका जी पाक पसंद शरीफ है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बेटे सात हैं। बच्चे सात बच्चे हैं? हाँ जी। जिनमें कितने बेटे कितने बेटी हैं? चार बेटियाँ हैं, तीन बेटे हैं जी। और सायमा का नंबर कौन सा था इनमें? सब तो छोटी जी। सबसे छोटी बेटी पर इतने बड़े बड़े सितम ढाए गए के बयान से बाहर है। कराची आप लोग आ गए दोबारा, तो शादी किससे की आपने? शादी मेरे इससे, मेरे ये जो बड़ा भाई है उसके साले के साथ शादी हुई, यानी कि वट्टा सटा हुआ है। उसकी अच्छा। दो बहनें हैं, एक मेरे बड़े भाई के घर पे है और एक मेरे छोटे, वो जो मेरा छोटा भाई खड़ा है उसके भाई। यानी आपने जहाँ सायमा की शादी की वहीं उसी घर से दो बहनों की शादी जी भाइयों से की। बेटियों की शादियां करते वक्त हमारा एक भी गलत फैसला हमारी बेटियों और हमारे खानदान को बर्बाद कर सकता है। वट्टा सट्टा की शादी औरत को मजबूत करती है या फिर उसकी जिंदगी अजीरन बना देती है, इस पर माहिरीन की राय चौंका देने वाली है। वट्टा सट्टा की शादी और इससे बहुत सारी मिलती जुलती रस्में जो हैं वो औरत को बिल्कुल कमजोर कर देती हैं। बिकॉज जब आप शादी को इस तरह की कंडीशंस के साथ बांध देते हैं जिसमें लड़की जो है वो ज्यादा बाउंड हो जाती है और उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर्स आ सकते हैं, तो किसी सूरत ही मजबूत नहीं होती। सो वट्टा सट्टा जो है वो कभी भी औरत को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता, हमेशा उसको कमजोर ही रखेगा। बिकॉज अगर एक एक घर की बच्ची खुश है तो दूसरे घर वाले जो है उसको प्रेशर, और दूसरे घर की बच्ची जो है ना खुश है तो उस खुश वाली बच्ची के प्रेशर जो है दूसरी के ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे और लोग फिर उस बच्ची की ज़िंदगी को भी अजाब करने की जो है वो कोशिश करते हैं। सो वट्टा सट्टा कभी भी सपोर्टेड नहीं है औरत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये एक हमेशा कमज़ोर करने वाली चीज़ है। वट्टा सट्टा की शादी औरत को कितना कमज़ोर कर देती है उसकी एक जिंदा मिसाल आज की ये दर्दनाक दास्तान है। बज़ाहिर सायमा शौहर के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी। ये तस्वीर देखकर तो यही लगता है कि सायमा का शौहर अपनी बीवी और बच्चों से बेहद प्यार करता था, लेकिन दरपर्दा कहानी कुछ और है। सायमा जुल्म सहती रही लेकिन खामोश रही। जब वो लेने गया, चाह लेने गया, दूध लेने गया ना जी, उदों ने मेरी सायमा मेरी जी ने मैंने बनाया बताया कि अबू मैंने थोड़ी थोड़ी बातों से पीसता रहता है, मैनू कोई ना कोई मेरे ना गलत गल करता है। मैं कह बेटा मैंने खोल के बता मेरी दी तेन की गल है, मेरी दी ने तू मैनू, मेरी दी खामोश हो गई। लेकिन मैं थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता किया, असी उस बच्ची के घर चले गए। जब उस घर चले गया ना मेरी बेटी उत्थे भी परेशान है, मैनू बेटी ने कोई गल नहीं दसी है। सायमा किसी से खुलकर ना कर सकी कोई बात और फिर टूटा दुखों का पहाड़। पड़ोसन चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर इजाज़ से घर में पहुंची तो सामने देखा कौन सा हौलनाक मंजर, बीवी को जमीन पर लिटाकर कैसे इजाज़ छुरियां चला रहा था। लेटी हुई थी ये ऊपर बैठा हुआ। प्रोग्राम में आगे चलकर जब आप ये खौफनाक हकायक देखेंगे तो कांप उठेंगे। उनकी दोनों की पसंद की शादी हुई थी, इजाज़ और सायमा की जी, उसने पसंद करके शादी की थी। ठीक, तो इजाज़ को क्या, आपको क्या लगता है इजाज़ में क्या मसला था, इजाज़ को इजाज़ इस लेवल पे क्यों आया? वो जब हमारे पास आता था तो बिल्कुल खुश उसको रखता था और खुश रहता था। हमारे सामने वो कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं करता था, हमें दिखाने के लिए वो अच्छा बनता था। अच्छा, कहीं ये मामला तो नहीं था कि जो दो बहनें जिनकी शादियाँ आपके भाइयों से हुई हुई हैं इजाज़ की बहनों की, उनके साथ आपके भाइयों का रवैया ठीक नहीं था तो इस वजह से वो इजाज़ जो है सायमा के साथ कुछ बुरा करता था? नहीं, मेरे भाई तो मेरी भाभियों के साथ बिल्कुल सही थे। इस वक्त इनके भाई भी मौजूद हैं तो उनसे भी बात करते हैं। सायमा का भाई अपने ससुराल में ही रिहाइश पजीर था, यही वजह थी कि जब टीम इंकशाफ ने सायमा के मैके के साथ साथ उसके ससुराल का भी मौकफ प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से कोई और सामने न आया। ताहम सच और झूठ का पर्दा चाक करने सायमा के ससुराल से उसका भाई पहुंच गया। खालिद क्या करते हो आप? मैं इधर गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइविंग। ड्राइविंग करते हैं, आप सबसे बड़े भाई थे? जी जी। और आपकी शादी इजाज़ की बहन से हुई? हाँ, बड़ी बहन। ठीक, तो आपने कभी नोट किया कि आपकी बहन खुश है कि नहीं, क्योंकि आप तो कराची में ही रहते थे, आप तो ज़्यादा देख सकते हैं कि मेरी बहन जो है वो इजाज़ के साथ खुश है? जब भी आते थे खुश आते थे, कोई आज तक उनका कोई ऐसा मसला नहीं। आपका जो रवैया था इजाज़ की बहन के साथ, आप कह रहे हैं लड़ाइयाँ भी होती थी, उसका तो कोई बदला लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वट्टा सट्टे वाले मामलात में ये बहुत होता है। वो तो इसके शादी है, वट्टा सट्टा तो समझो इनके इसके साथ हुआ है, वो वट्टा सट्टा नहीं, अब्बू ने अपनी मर्जी से दिया। अगरचे सायमा के भाई ने बताया कि उसका और उसकी बीवी का कोई खास झगड़ा नहीं होता था
और ना ही उसकी बीवी की वजह से उसकी बहन किसी मुश्किल का शिकार थी। लेकिन हमें उस वक्त ये जानकर हैरत हुई जब सायमा के बाप ने बेटे की हर बात को रद्द कर डाला। सारी गल है कि मैं मेरा बेटा जड़िया ना बहुत सारी गल्ला जड़ी अपनी छुपा रहा है, बहुत सारी गल्ला जड़ियां ना अपने अच्छा आराम से पहले उन्हें बात करने दो। खालिद यही इसकी बदतमीजियां हैं। खालिद एक सेकंड, यही मेरे ना रवैया चल रहा है, मेरी गल सुनो। मैं इस टाइम गल करता, मैं सही गल करना। ये जरा मेरा बेटा कह रहा है कि मेरे नाल मेरी बीवी की लड़ाई झगड़ा नहीं होता सी, इन्हों के 3 महीने हो गए ने इनकी लड़ाई चली हुई, इन्हों के 3 महीने हो गए झगड़ा होया हुआ है। झगड़े के बच्चे आके मैं उसनु याद न समझाया, मैं कहा यार अपनी बहन को समझाओ, मेरे बेटे को इसने तंग किया है, मेरे बेटे को इसने जलील किया, जेरी बहन ने इसनु मैं अपने बेटे को लैके चला जावगा, तो तुम मिसाल मेरी इन्होंने तुम मैं तंग किया, तू तो अपनी बहनों को समझा। सर जी इसने आखिया जी मैं मेरी तो गल मानते नहीं है, बात मानते नहीं है, ये नहीं बोलना। तो क्या इजाज़ ने बहन और बहनोई के झगड़े की सजा सायमा को दी? इजाज़ क्यों अपनी मोहब्बत के बुलंदोबांग दावे भूल गया? क्या वजह थी कि जो शादी ब्याह होता था कोई खुशी गमी होती थी उसमें इजाज़ सायमा को नहीं जाने देता था, क्या वजह थी? अब ये अल्लाह जानता है। मैं को पंजाब में लेकर गया, फिर नहीं उसे आने नहीं देता था, रब्ता भी पूरे 9 साल में वो 2 दफा गई है, नहीं लेकर जाता था, रब्ता भी नहीं करने देता था, मोबाइल पर भी कि बहन भाइयों को कोई बात बताती हो, उसको अपने दबाव में रखा हुआ था उसने। आप ही कितनी बात होती थी उनसे फोन पे? जब करती थी मैं खुद ही करती थी, 2 महीने बाद या 1.5 माह के बाद या 1 महीने के बाद मैं खुद करती थी, ये नहीं करने देता। उसके बाद फोन नहीं था तो आप इजाज के नंबर पे करती थी? हाँ जी, उसके नंबर पे। और फिर कितनी देर बात करती थी और क्या बताती थी वो? और जब वो बात करती थी इजाज सामने बैठा होता था? वो बैठा होता था, वो दबाव में उसे रखता था। ये मामला सिर्फ सायमा तक नहीं महदूद, ऐसी कई लड़कियां हैं जिन्हें शादी के बाद दरपेश आती हैं ऐसी मुश्किलात। सवाल यह है कि क्या औरत के लिए जरूरी है महके में राब्ता रखना? अगर शौहर बीवी को उसके वालिदैन और बहन भाइयों के साथ मिलने से रोके तो ऐसे में बीवी क्या करे? फैमिली के साथ आपकी टाइज जो हैं वो आपकी शादीशुदा जिंदगी को भी बहुत बेहतर कर सकती हैं, क्योंकि जिस इंसान का फैमिली इंस्टीट्यूशन वीक होगा, फैमिली के साथ नहीं मिलना जुलना होगा, उसका अपना फैमिली भी उतनी अच्छी जो है वो फैमिली इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन हो कि शोहर जो है वो बीवी को मना करे, तो किसी एक सर्टन हद तक तो शायद आप इस चीज़ को कुछ टाइम के लिए इसलिए कबूल कर सकते हैं कि आप उसको मनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको कन्विंस करेंगे कि वो आपको जाने दे। अगर वो आपको जाने नहीं दे रहा तो फिर मेरे ख्याल में वो पेरेंट्स को आप अपने घर बुला के उनसे मुलाकात जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि बेटियाँ अपने वालदैन के साथ जुड़ी रहें तो वो आपका घर भी ज्यादा बेहतर चला सकते हैं। महके से रابطہ ना हो तो फिर हर लड़की ऐसी ही रहती है बेयारो मददगार, जिस सूरत हाल से सायमा थी दो चार। सायमा क्यों नहीं कर सकती थी मोबाइल का इस्तेमाल? शौहर किसी गलत फहमी का शिकार हो जाए तो ऐसे में बीवी क्या करे? क्या कहते हैं माहिर नफ्सियात? क्या वाकई मशकूक था सायमा का किरदार या उसके महके से रابطے खत्म करके शौहर छुपाता रहा कोई राज? खूनी दरिंदे ने कैसे वहशियाना अंदाज में 3 बच्चों की मां पर किए वार? कैसे पड़ोसन ने मुलजिम को पकड़ने में अदा किया अहम किरदार? कुछ लड़के थे, कुछ मैं खुद पहले, सबसे पहले मैंने पकड़ा, उसके बाद लड़के आकर ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। उसने 2 गजल किए सर जी, उसने 2 गजल किए। मोहब्बत की शादी छुरियों के बार। तीसरी दफा मेरे हाथ में छुरी आई, मैंने वहाँ फेंकी, मैंने वो उस वक्त उसको देखा कि उसने उसका गला पकड़ लिया। सायमा क्यों नहीं कर सकती थी मोबाइल का इस्तेमाल? किसका था मशकूक किरदार? तुम ये हो, तुम गंदे हो, तुम्हारे औरतों के साथ चक्कर है। लड़कियों का महके से बातें छुपाना है कितना खतरनाक? ये बहुत बहुत जरूरी है कि बेटियां अपने वालदैन के साथ जुड़ी रहें तो वो आपका घर भी ज्यादा बेहतर चला सकती है। मेरी बहन ने इतना कहा है कि इजाज अगर मेरी बहन से एक महीना हो गया मेरी बात हुई है, तो उसने कहा है कि एजाज अगर तुमने मेरे बहन भाइयों से नहीं बात करवानी तो तुम मुझे ऐसा करो, मुझे मोबाइल ले दो।
हैं। इस बात पे उसने कहा भी नहीं, मैंने तो तुम्हें मोबाइल नहीं लेके देना। मैंने इसी बात पे उन लोगों का झगड़ा हुआ है। अगर उसने कोई मेरी बहन को गाली निकाली, आगे से उसने भी फिर कहा कि फिर अगर मैं ऐसी हूँ तो तुम्हारी बहनें भी ऐसी हैं। हालांकि सर मेरी बहन इनकी मेरी भाभियों ने इतने बड़े मोबाइल रखे हुए हैं, टच मोबाइल रखे हुए हैं। हमने अपनी बहनों को, मेरे भाइयों ने आज तक किसी चीज़ की पाबंदी नहीं लगाई है, हैं। और उसका देखो मेरे मेरी बहन बहन पर इतनी पाबंदी है। अगर हमारे भाई सोचने वाले होते तो कहते कि मेरी हमारी बहन को अगर मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं है तो तुम लोगों को भी इजाज़त नहीं है। साइमा को मोबाइल रखने की इजाज़त क्यों ना थी, टीम इंकशाफ ने खोज लगाई तो पता चला कि इजाज़ का शक्की मिजाज होना इस सारे मसले की जड़ था। शक करता था, अपने रिश्तेदारों के घर ना आने देता था, ना उनको आने देता था अपने घर में, सबको रोक के रखता था। शक की मिजाज था, बस शक की बुनियाद पे हमारी बहन पे जुल्म हुआ। इजाज इस कदर शक करता था, अगर उसकी बीवी अपने देवर से भी बात करती तो उसे नागवार गुजरता। मैं तो एक और बात गाल करा, जब शुरू से मेरी बेटी की शादी हुई ना इनके घर, इस ने मेरी बेटी को उदो इतना मारा कि सिर्फ शक किया उन्हें आधे भाई के साथ, कि आधे भाई के साथ भी तू मेरे भाई के साथ बात क्यों करती है, अपने देवर से बात क्यों देवर से बात क्यों करती हो। अच्छा, वो सके भाई से भी शक रख रहा है। ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल थी। सवाल ये है कि शौहर शक्की मिजाज हो तो बीवी उसे कैसे समझाए, कैसे उसका एतमाद हासिल करे। जहाँ तक हम ये बात करें कि जी वाइफ जो है अपने हस्बैंड को किस तरह से समझा सकती है कि उसका शौहर उसके ऊपर शक ना करे, तो ऑफ कोर्स एक सीरीज ऑफ इवेंट आपकी लाइफ में चल रही, शादीशुदा जिंदगी सिर्फ एक दिन की नहीं है, वो पूरी लाइफ की जिंदगी होती है। और उसमें अगर कोई एक ऐसा इंसिडेंट कभी हो जाए जिसमें कि कोई ऐसी बात सामने आ जाए, या जो शक्की मिजाज, क्योंकि इंसान होता है वो हर बात में से अपनी मर्जी का मतलब निकाल लेता है, वो हर सही बात में से भी शक को निकाल लेता है, ये उसकी फितरत में चीज़ शामिल हुई होती है। सो कभी अगर कोई ऐसी छोटी मोटी बात हो भी जाए और उस शोहर जो उसके ऊपर शक करे, तो औरत ये कर सकती है कि अपने पिछले जो इवेंट्स होते हैं लाइफ के उसको कोट कर सकती है कि आप देख सकते हैं इस वक्त भी मेरी गलती नहीं थी, चीज़ें सारी ठीक थी। यानी बार बार वो अपने पास्ट को वहाँ पे कोट करके अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकती है। बट इन ऑन द अदर हैंड बेहतर ये होता है कि आप आदमी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें कि उसकी शक करने की नेचर जो है वो कम हो सके, जो कि या तो वालदैन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पे कोप करवा सकते हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल उनको इस सूरत में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इजाज बीवी पर शक करता था और मुबैना तौर पर उस शक की वजह ये थी कि इजाज की बहन अक्सर सायमा के खिलाफ इजाज के कान भरती रहती। मेरी बीवी बेटी ने मरावन वाली ऐसी बीवी मरावन वाली भाई को मतलब कि वो रोज जाता सी उन्होंने घर, वही भरती सी उन्हें कान के मैनू खाले कहीं मतलब कि मैं डांटता रहता, यही डांटता रहता, इन्हों का बड़ा मोबाइल की वजह से झगड़ा चलता। इसने मेरे बेटी को जरा मारिया है ना, उन्हें एक मोबाइल का इल्ज़ाम लगा के मारे कि तेरे पास मोबाइल है, तू चोरी मोबाइल रखे हुए इन्हों का। उस दिन झगड़ा होया, जिस दिन उस मेरी धी मारिया ना, उसने कोई ऐसी गल की है कि जिंद उसने मैं अगू जबान चलाई, उसने मैं जबान चलाई है, उन्हें जबान दे आके उन्हें बर्दाश्त नहीं किया, लगा गया उन्हें छुरी लिया के मेरी धी उस काट दी। जो भाभी है ना वो बहुत होशियार है, इनका काफ़ी अरसे से इनका झगड़ा होता आ रहा है। वो कहती है मुझे तलाक दो, मेरा भाई कहता है मैं तलाक नहीं दूंगा। वो तलाक क्यों मांग रही है, कितने बच्चे हैं उनके? खालिद के 4 बच्चे हैं, एक बेटा, 3 बेटी हैं। तो क्यों डिवोर्स क्यों मांग रही है वो? पता नहीं वो किस चीज़ का डिवोर्स करती, मैं तुम ये हो, तुम गंदे हो, तुम्हारी औरतों के साथ चक्कर है। तो अगर आप देख सकते हैं, आप खालिद की हालत देख, अगर किसी के साथ चक्कर, उसका ये हाल हो मेरे भाई का, उसको इसने मेरी भाभी ने ऐसे दबा कर रखा हुआ है ना कि ना ये किसी से बात कर, मैं अपने दबाव में इसको रखूं, जैसे रखूं मैं अपने मेरे दबाव में ये रहूं। हमें तो कभी इसने ना कभी खुशी पे ना गमी के कभी भी इसने हमारे भाई ने कभी बात नहीं की है। और जो मेरी भाभी है वो अपने भाई को उनकी आपस में काफ़ी क्लोजिंग थी, वो उसको अपने भाई को हर अपनी बात जो इनके झगड़े की होती सारी एक एक बात वो अपने भाई के कान भरती रहती। इंसान चाहे तो थोड़ी सी दानिशमंदी का मुजाहरा करके रिश्तों को बचा सकता है, लेकिन कैसे इजाज सारी हदें फरांग गया, उसने कैसे बेदर्दी के साथ बीवी पर किए छुरियों के वार। जब सायमा तड़प रही थी तो उस वक्त मुलजिम की बहनों ने किसका दिया साथ, बाप मौके पर पहुंचा
तो देखा कौन सा खौफनाक मंजर। क्यों आज के दौर में बीवी को तलाक देना मुश्किल लेकिन जान से मारना है आसान, ये सब दिखाएं। मोहब्बत की शादी छुरियों के वार। तीसरी दफा मेरे हाथ में छुरी आई, मैंने वहाँ फेंकी, मैंने वो उस वक्त उसको देखा कि उसने उसका गला पकड़ लिया। कायमा क्यों नहीं कर सकती थी मोबाइल का इस्तेमाल, किसका था मशकूक किरदार। तुम ये हो, तुम गंदे हो, तुम्हारे तुम्हारे औरतों के साथ चक्कर है। लड़कियों का मैके से बातें छुपाना है कितना खतरनाक। ये बहुत बहुत जरूरी है कि बेटियां अपने वालदैन के साथ जुड़ी रहें तो वो आपका घर भी ज्यादा बेहतर चला सकती। इजाज़ ने किस बेदर्दी से बीवी पर छुरियां चलाएं। जाय वकुआ की तरफ बढ़ने से पहले इस सवाल का जवाब जानना भी जरूरी है कि अगर इजाज़ को बीवी पर शक था तो उसने उसे तलाक देकर अपने से अलग क्यों ना किया। क्यों हमारे माशरे में तलाक देना मुश्किल लेकिन बीवी को जान से मारना आसान हो गया है। हमारा माशरा भी और हमारा रिलीजन भी इस चीज़ की इजाज़त तो देता है कि अगर दोनों की नहीं बन रही तो वो किसी एक पॉइंट के ऊपर सुलह फहमी के साथ अलग हो सकते हैं। दो ये बहुत नापसंदीदा अमल है मगर इस चीज़ की इजाज़त ज़रूर है। मगर सोसाइटी, यहाँ पर रिलीजन नहीं, यहाँ पर सोसाइटी ने हमारे लिए तलाक जैसी चीज़ को, जो कि औरत के हक़ में भी बेहतर हो सकती है और मर्द के हक़ में भी बेहतर हो सकती है, जब नहीं बन रही उस सूरत में, उसको इतना ज़्यादा मुश्किल कर दिया है कि एक टॉक्सिक फैमिली में तो हम रह लेते हैं, कैसी टूटी बिखरी हुई फैमिली में तो रहना पसंद करते हैं, मगर तलाक जैसी ऑप्शन जो कि हमें रिलीजन दे चुका है, सोसाइटी उसकी इजाज़त नहीं देती। बेसिकली तलाक का ना होना और नापसंदीदा होना जो है वो सोसाइटी का एक प्रेशर है, ये इस्लाम की वजह। ऑफकोर्स नापसंदीदा तो ज़रूर है मगर ये इस्लाम की तरफ से नहीं है। तो टॉक्सिक फैमिली में रहना लोग प्रीफर करते हैं एज़ कम्पेयर के वो अपने एक रिलीजियस राइट को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से अलग हो जाएं, जिसमें सोशल जो है हमारे प्रेशर्स बहुत ज़्यादा इसके ऊपर। अफसोस इस वाकये में भी शोहर ने बीवी को तलाक नहीं दी बल्कि उसकी जान लेने पर तुल गया। इस वक्त मेरे साथ इस घर की मालिक मकान मौजूद हैं। ये वो घर है जहाँ पर सायमा और इजाज तकरीबन 15-20 दिन पहले शिफ्ट हुए थे और उनको रहते हुए 13वां दिन था यहाँ पर जब ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। और ये जो मेरे साथ मौजूद हैं मालिक खान, ये पहली विटनेस हैं देखने वालों में जिन्होंने सबसे पहले आके सायमा की कंडीशन देखी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नियाज बी। नियाज बीबी साहिबा, ये लोग जब यहाँ पर शिफ्ट हुए तकरीबन 13 दिन हुए थे आए हुए उस दिन, 13वां दिन आपकी मुलाकात होती थी सायमा से? नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई। वो नीचे नहीं उतरती है, मैं ऊपर नहीं कि मेरी बहू का ऑपरेशन होया था। अच्छा, आप क्योंकि नीचे रहते थे और ये छोटे छोटे घर हैं तो क्या कोई झगड़ा वगैरह होता था, आवाज़ आती नहीं, थी? नहीं, कुछ भी नहीं होता। पहले नहीं झगड़ा हुआ, नहीं कुछ होया। उसी दिन उस दिन क्या हुआ, क्या वक्त क्या था वो? ये 5:30 वक्त टाइम था, जिस वक्त यहाँ पे मैं नीचे हॉस्पिटल से आई हूँ तो नीचे आके खड़ी हुई हूँ तो शोर हो रहा था। ठीक है, क्या आपको क्या सुनाई दिया? जैसे शोर हो रहा, बचाओ बचाओ, ऐसे शोर हो रहा। मैं ऊपर आई, मैंने अपनी बेटी को बोला पलास लेके आओ कि उसका आदमी तो घर पे नहीं है, उसको करंट लग गया शायद। मैंने करंट का बोला, मैं कि शायद उसको करंट लग गया। जैसे मैं ऊपर आई ना तो यहाँ पे वो उसको मार रहा था, आपके सामने मार रहा था, सामने मार रहा था। ये वो जगह थी, ये जगह यहाँ पे जब भी देख सकते हैं यहाँ पर ये खून के यहाँ पे उसको मार रहा। मैं ऐसे ही गुजर यहाँ पे पहुंची हूँ ना तो मैंने उसको बोला बेटा छोड़ दो, बेटा छोड़ दो। वो नीचे लेटी हुई थी? नीचे लेटी हुई थी, ये ऊपर बैठा हुआ, ऊपर बैठा हुआ था, ऊपर बैठा हुआ था। मुझे नहीं पता, मैंने उसको ऐसे करके मैं क्या बेटा छोड़ दो, ये मैंने उनके हाथ पे छुरी देखी, मैंने जल्दी से ना छुरी पकड़ी तो मैंने वहां पे। जाय वकुआ से बरामद होने वाली ये है वो तेज धार छुरी जिससे इजाज ने ऐसा खौफनाक हमला किया कि सायमा को संभलने का मौका ही ना मिला, पूरा कमरा खून से भर गया। उसने छुरी आपको आराम से दे दी या उसने आप पे अटैक करने की कोशिश तो नहीं की? भी नहीं किया। हाँ, कोशिश भी नहीं किया। जैसे मैं बोलती रही ना कि बेटा छोड़ दो छोड़ दो, कोशिश भी नहीं किया। दो बारी मैं बोली हूँ, तीसरी दफा मेरे हाथ में छुरी आई, मैंने वहाँ फेंकी, मैंने वो उस वक्त उसको देखा कि उसने उसका गला पकड़ लिया। जैसे उसने गला पकड़ा मैं नीचे उतर गई, मैं ज़ोर से चीखे मारती रही कोई पुलिस लेके आओ, पुलिस वाले को बुलाओ, पुलिस वाले को बुलाओ कि वो अपनी बीवी को मार रहा है, कोई आदमी यहाँ पे नहीं है गली में। ठीक है, मैं चीखा मारती मारती ना बाहर चली गई। जैसे मैं बाहर गई ना तो उस वक्त वहाँ पे मेरे पीछे जियाज भी भाग गया। अच्छा, आपके पीछे पीछे वही जो मार रहा था वो आपके पीछे? वो मेरे पीछे भाग के
जा रहा था, मैंने उस वक्त बोला कि ये अपनी बीवी को मार के भाग रहा है, ये मेरे ऊपर आ जाएगा, इसको पकड़ो। किसी ने नहीं पकड़ा, फिर आगे जाके तीसरी गली से उसको पकड़ के लाए कि वहाँ लड़कों को मैंने बोला, कुछ लड़के थे, कुछ मैं खुद पहले, सबसे पहले मैंने पकड़ा, उस तो बाद लड़के आ पहुँचे, वो खींच के इधर लाए, फिर मैंने बोला कि सैमा को देखो कि उसको सांस है कि नहीं है, फिर ऊपर आए तो सब ने देखा, तो मेरी तो उस वक्त हिम्मत ही ख़त्म हो गई, सब ने देखा तो उन्होंने उठा के लेके गए नीचे, फिर सारी वहाँ पे उसको थोड़ा सा होश आया, ये बातें कर रही थी, माड़ी मोटी बातें कर रही थी कि एम्बुलेंस बुलाई उसमें। आप लोगों की बात सुनी, उसने क्या कहा, क्यों मारा? उस वक्त ये कोई बात नहीं, मैंने नहीं सुनी, मैं तो उस वक्त इतनी खौफनाक हो गई थी कि मुझे नहीं समझ आ रही उसकी, वो जो है ना सब ऊपर बोल रहे हैं कि मियां बीवी का झगड़ा होया, मियां बीवी का, वो लड़का भी मेरे सामने ही बोला कि मियां बीवी का झगड़ा। तो इनियाज बीवी जो थी ये ऐनी शाहिद थी, और इन्होंने उस वक्त देखा था जब वो अपनी लिटरली सीने पे सवार होके छुरियों के वार कर रहा था अपनी बीवी के, और ये उस वक्त पहुंची और उन्होंने कहा कि बेटा छोड़ दो, ये मत करो, और छुरी जो है उसके हाथ से लेके फेंकने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने गला दबाने की कोशिश की साइमा का इजाज़ दें, तो फिर ये भाग के नीचे गई, उन्होंने बाहर गली में शोर मचा, नहीं छोड़ेगा मेरे से पकड़ने के बावजूद भी, ये नहीं छोड़ेगा। लेकिन बड़ी हिम्मत की बात है, कोई इंसान किसी को कत्ल कर रहा और आप बीच में जाएं और आप रोकने की कोशिश करें। मेरी भी बच्ची थी, ऐसी बात नहीं है, मेरियां भी तीन बेटियां हैं, मेरी भी वो बेटी जैसी थी, चलो मेरे से मुलाकात नहीं, मैं एक दफा ऊपर आई हूँ तो मैं वहाँ खड़ी हुई थी, तो उस वक्त वो यहाँ थी, मैं कह सहमा क्या हुआ तेरा इतना मुँह भेड़, मैंने उससे पूछा मैं बेटा क्या हुआ, तो बोलती है मुझे बुखार है, जब एक इंसान अम्मी बोल देता है, लड़का भी मुझे अम्मा बोलता है, वो भी अम्मा बोलती है, जब एक इंसान ऐसे बोलता है तो वो तो हमारी ना भी बोले तो फिर भी बच्ची है, हम बच्चियों वाले नहीं है। ये बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप एक ऐसे इंसान को आप नहीं जानते, वो किसी का कत्ल कर रहा है और आप बाद बीच में आप जाएं और आप छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हाथ छुरी लेके फेंक दें, तो ये माँ जी ने बड़ी हिम्मत दिखाई, इस खातून ने हिम्मत दिखाई, मगर तब तक ये जल्लाद साइमा पर इस कदर छुरियों के वार कर चुका था कि उसकी जान लबों पर आ गई। क्या साइमा 4 माह की हामला थी? साइमा की जान बचाने के लिए अहले मोहल्ला कितनी मुश्किल से उसे तंग सीढ़ियों से उतारकर नीचे लाए? साइमा की जान बचाने की बजाय क्या वाकई उसकी भावज घर का सामान इकट्ठा करती रही? मौके से पकड़े जाने के बावजूद मुलजिम को क्यों नहीं था किसी का डर? कैसे बहनें अपने मुलजिम भाई को छुड़ाने की कोशिश करती रहीं? साइमा के बाप को खबर मिली तो वो कैसे तड़पती बेटी के सराहने पहुंचकर तड़पने लगा? ये सब दर्दनाक हकायक दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। उसने दो गजल कीचन सर जी, उसने दो गजल कीचन। मोहब्बत की शादी छुरियों के वार। तीसरी दफा मेरे हाथ में छुरी आई, मैंने वहाँ फेंकी, मैंने वो उस वक्त उसको देखा कि उसने उसका गला पकड़ लिया। साइमा क्यों नहीं कर सकती थी मोबाइल का इस्तेमाल? किसका था मशकूक किरदार? तुम ये हो, तुम गंदे हो, तुम्हारे तुम्हारे औरतों के साथ चक्कर है। लड़कियों का मैके से बातें छुपाना है कितना खतरनाक? ये बहुत बहुत जरूरी है कि बेटियां अपने वालदैन के साथ जुड़ी रहें, तो वो आपका घर भी ज्यादा बेहतर चला सकती है। मेरी बेटी में, बेटी के पेट में 4 महीने का बच्चा प्रेग्नेंट थी। हाँ जी, वो भी मेरी बेटी का, उसने दो गजल कीचन सर जी, उसने दो गजल कीचन। फिर इन्होंने इन्ना जुलम ना मारा है सर, इधर जुलम ना मारा, इधर ऊपर चढ़ के उसने छुरियां मारी। हमने देखा सर। आप यहाँ पे थे? हाँ मैं सर, जब मेरी बेटी से गिरी पई सी ना, मेरे को मेरे पुप्पी के लड़के ने फोन किया, मैं उधर ठेले पे सी, मैं जब दौड़ा मैं दो जगह में गिरया, मुड़ मैंने लोगों ने रक्षे से बिठाया, मैं रक्षे से दौड़ के आया ना, तो मैं बेटी के पास आया ना, जब मैं और बेटी गिर गया, एम्बुलेंस आई है यकदम, असि जरिंदा खड़ोता है, मैं आया, मैं इस तरह दो चाटा मारियां, मैं मेरी धी को क्यों मार दिते, अगू आखदा मैं चंगा किया मारे, चंगा किया मैं मारे। यह है वो मनाजिर, जब बाप मौके पर पहुंचा तो कैसे तड़प रही थी साइमा। खून में डूबी साइमा ज्यादा खून बह जाने की वजह से बेहोशी की हालत में थी, तहम वो आंखें खोलकर और बोलकर अपनी हिम्मत जगजा कर रही थी, मौत से लड़ रही थी, लेकिन साथ खड़े जल्लाद के चेहरे पर
जरा भी शर्मिंदगी ना थी। तभी तो साइमा के बाप का जब भी जवाब दे गया और उसे दामाद को थप्पड़ मारे। सिर्फ यही नहीं बल्कि साइमा की नंद के बारे में साइमा के मैके वालों ने किया एक अफसोसनाक इंकशाफ। यास्मीन आपको क्या आपको ये कैसे बात पता है कि यहाँ पर वो आई थी जब ये यहाँ पे थे? ये हमारे रिश्तेदार इधर करीब में ही रहते हैं, वो आ गए थे, वो खुद देख रहे थे कि फरजाना आसपास देख रहे थे, वो उसको ऊपर आई है, ऊपर से क्या उठाया हम वो ये मुझे नहीं पता, ऊपर आई है कोई कहता मोबाइल उठाया, मोबाइल ही होगा जाहिर है उसका मोबाइल होगा इजाज का जो उठाने आई। उस वक्त फरजाना कहाँ वो साइमा कहाँ थी? साइमा को नीचे लोग लेकर बैठे थे गली में नीचे बैठी के तड़प रही थी मेरी बहन, तो उसको आके उसने देखा, उसको देखा दूर से देखा, उसके पास नहीं आई, उसके पास नहीं आई। अगर आपकी बहन को इस वक्त छुरियाँ लगी हुई हैं और वो रोड पे पड़ी हुई है तो उस पर तो पहला फर्ज भाभी का बनता है कि आगे संभाले सब कुछ, ऊपर जाके देखने की बजाय उसको संभाले। मुझे पता ही नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं क्यों बोलूं वो ऊपर आई है या नहीं आई है, जब मैंने ऊपर ऊपर देखी नहीं। अगर ऊपर नहीं आई जी जी, मैं ये नहीं कह रहा ऊपर आई है, ऊपर आई है मोबाइल नहीं लिया, वो मैं उस पर बात पे नहीं कर रहा जी जी, लेकिन वो वहां पर पहुंचे और जाके अपनी भाभी को संभाले, वो लेट आई है कहते हैं, मैंने जो सुना है ना कि उस टाइम ये लोग लेके चले गए। पहले मोहल्ला ने अपनी आंखों से देखा कौन सा मंजर, साइमा पर हमला करके फरार होने वाले इजाज को कैसे अहले इलाका ने किया गिरफ्तार, कैसे इजाज की बहनों ने उसके पकड़े जाने पर उसे छुड़ाने की कोशिश की, ऐनी शाहिदीन ने किए तहलका खेज इंकशाफात। इस वक्त मैं साइमा के घर से जो मुतसिल बाजार है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ ऐनी शाहिदीन है जो उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने सब कुछ देखा, उन्होंने ना सिर्फ साइमा को शुरू में जो तिब्बी इमदाद मुहैया की गई है उसको लाया गया अस्पताल तक पहुँचाने में हेल्प की, इसके अलावा इजाज को भी पकड़ा। तो मेरे साथ यासीन साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। आपकी यहाँ शॉप है सर? बराबर में मेरी टेलर की शॉप है सर। मैं जब ये वाकया हुआ तो मालिक मकान की एक लेडीज आई तो वो इधर आके खड़ी होके मुझे इस जगह पे इधर इशारे कर रही है कि वो अपनी बीबी को मार के जा रहा है। वो किधर जाता है? वो इधर इस साइड पे चला गया हजारा कोट की तरफ। हाँ, फिर मैं उधर दुकान से चलता चलता इधर आया तो पूछा क्या बात है, कह रहे हो अपनी बीबी को छुरियाँ मार के ना भाग गया है। मैंने बोला वो तो पकड़ा जाएगा, पहले उसकी बीबी को देखो जिंदा है या मर गई है। फिर जब हम गए दो तीन बंदे तो देखा तो उस टाइम उसके सांस चल रहा था, तो हमने बड़ी कोशिश करके उसको नीचे उतारा। नीचे उतार के ले आए थे एक लड़का, वो था बारात नाम का, उसने बड़ी हिम्मत की है। जब उसको ले आए थे तो इधर आके हमने लिटा दिया था, एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे हम। जो इस असर के बाद के टाइम है यही टाइम था, यही टाइम बिल्कुल और यहाँ पर आज से चंद दिन पहले सोचे साइमा इसी जगह पर तड़प रही थी। जो वीडियो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है वो इसी वक्त की वीडियो है और इस जगह पर जो थी साइमा को रखा हुआ था, लोग इसी तरह से जमा हुए हुए थे और साइमा कुछ बात करने की कोशिश भी कर रही है लेकिन वो सुनाई किसी को नहीं दे रही थी। अच्छा मुझे ये बताएं इजाज उस वक्त पकड़ा गया है? इजाज पकड़ा गया था जिस टाइम हम उधर ले आए थे ना बच्ची को, तो इजाज को पकड़ के हमने इस जगह पर खड़ा कर दिया था। ठीक है, इधर खड़ा कर दिया था तो हम पूछ रहे थे उससे भी क्यों मारा, कह रहा है बस मेरी बीबी सही नहीं थी मैंने मारा। फिर उसका लड़की का वाला, आप में से किसी के साथ बदतमीजी भी की थी इजाज की बहनों ने, वो आपके साथ की थी? क्या नाम है आपका? जफर नाम है। जफर, आपने जब इजाज को पकड़ के यहाँ पर खड़ा किया हुआ था? यहाँ खड़ा किया था। तो उसको कौन आया आपके पास? बहन आई थी इसको यहाँ पे कि हमारा घर का मसला है आप इनको छोड़ दो। हमारे घर का मसला है मतलब छुरियाँ मार दी एक लड़की को जो यहाँ पड़ी तड़प रही हो, कह रही घर का मसला है छोड़ दो। जी घर का मसला है आप छोड़ दो, आप कौन होते हैं उनको पकड़े हुए? हम लोगों ने कहा कि वहाँ औरत मर गई हमारे गली में, अच्छा हुआ तो जाहिर सी बात है हम अपने गली में बदनामी होने नहीं देंगे, ये अच्छा यहाँ किया तो अपने घर पे करता है यहाँ क्यों किया। फिर वो चली गई इसी गली में, हम लोगों ने इजाज़ को जो था पुलिस के हवाले कर दी। कितनी देर लगी एम्बुलेंस आने में और कौन कौन यहाँ पर पहुँचा, क्या हुआ था? 15 से 20 मिनट लगे थे। फिर इधर का हमारा मोहल्ले का है जुमा खान का बेटा आमिर खान, वो भी आ गया था। फिर उसने वो लड़के के बयान भी खुद कापी में लिखे, फिर बाद में पुलिस भी आ गई थी, फिर आमिर खान ने पुलिस के हवाले कर दिया। जो साइमा के वालिद थे वो यहाँ पर पहुँचे और वो भी अब जो वीडियो साथ में आपको चल रही है उसमें नज़र आ रहा है कि वो भी नज़र आ रहे हैं। जो साइमा के भाई आ गए थे? नहीं भाई नहीं आए, वालिद साहब था और मेरे ख्याल बहन थी उसकी। वालिद और बहन जो है वो यहाँ पर पहुँच गए थे और उस वक्त एम्बुलेंस को बुला के फिर उनको रवाना कर दिया गया, लेकिन ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पर आज से चंद दिन पहले साइमा जो है बहुत ही शदीद ज़ख्मी हालत में तड़प रही थी और इस वक्त भी वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। यह अस्पताल के बिस्तर पर मौत से लड़ती साइमा, अगरचे उसे बरवक्त अस्पताल पहुंचाया गया और अब उसकी सांसें बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, तहम वो इस वक्त भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में। अब आप क्या चाहते हैं,
क्या होना चाहिए इजाज़ के साथ जिसने आपकी बेटी के साथ जुल्म किया? सर जी मैं यही अपने को आपको इंसाफ मिले, मेरी बेटी ने जुल्म है, अल्लाह पाक उसनू सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं और कुछ नहीं मांगना, मैं अपनी बेटी की जिंदगी मांगना, मैं अल्लाह पाक मेरी बेटी की जिंदगी बख्श दे। हुकूमत से मेरी अपील है कि मेरी बहन के साथ इंसाफ हो और उस दरिंदे को सख्त से सख्त सजा मिली जाए। इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए, मेरी मजलूम बहन के ऊपर इतना जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। खालिद जी, आपका एक जो साला है वो धमकियां दे रहा है, एक साला जो है आपका वो आपकी बहन को ऑलमोस्ट कत्ल कर चुका है जी जी, और फिर फरजाना के हवाले से जितनी बातें हुई वो भी आपके सामने है, आप क्या कहते हैं अब? आप मुझे पता है कि आप बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में, आपको खुद समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हुआ हुआ है। बिल्कुल सर, मैं खुद परेशान हूँ, लेकिन जिसने ये काम किया उसको सख्त से सजा मिलनी चाहिए, बस उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इजाज को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बकौल साइमा के वर्षा के इजाज को इस नहज तक उसके खानदान ने पहुंचाया है। खुदारा रिश्तों में जहर घोलने से इज्तनाब करें। याद रखें, अगर हम किसी की खुशियों को आग लगाएंगे तो खुद भी उसके शोलों से नहीं बच पाएंगे। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।